दोस्तों, हमारे कायनात बहुत बड़े हैं। हमारे कायनात के हर कोने पर कोई ना कोई चीज़ ऐसे मौजूद है जिसके बारे में जानकर हमारा दिमाग चकरा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का टोटल वजन कितना है? अगर पता हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको तो यह पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कितने मून हैं? और क्या आपको पता है हमारे कायनात में डेड प्लैनेट भी मौजूद है? लेकिन इनको डेड प्लैनेट ही क्यों कहा जाता है? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलेंगे, जिनको जानने के बाद आपका भी दिमाग चकराने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि स्पेस से जुड़ा हर रहस्य का पता सबसे पहले आप तक बड़ी आसानी से पहुँचे। अब बात करते हैं सबसे पहले डेड प्लैनेट की। तो डेड प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर किसी भी तरह का जियोलॉजिकली चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि न्यू ऑर्गेनिज्म का पैदा होना, लैंडलाइन होना। इसके अलावा डेड प्लैनेट पर कोई भी इंटरनल एनर्जी सोर्सेस नहीं होते हैं, यानी इनके कोर बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं जो अंदर से प्लैनेट को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम बात करें ज़मीन की, तो यह ज़मीन इंटरनल एनर्जी सोर्सेस कोर होते हैं। अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर किसी भी प्रकार का इंटरनल सोर्सेस ना पाया जाए तो इसे डेड प्लैनेट घोषित कर दिया जाता है। किसी भी डेड प्लैनेट को जानने का सबसे आसान तरीका उसमें बैक क्रिएटर का पाया जाना। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के वजन की। आप ज़रा सोच कर बताइए, क्या हमारे सोलर सिस्टम सारे प्लैनेट एस्ट्रॉयड हमारे सोलर सिस्टम में ऐड होता होगा? मैं आपको बता दूं कि हमारे सूरज को छोड़कर जो कुछ भी मौजूद है उन सब की मैस को ऐड करेंगे तो वह हमारे सोलर सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ 0.14% ही होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मैस पर सूरज का कब्जा है। अगर बात करें सोलर सिस्टम की वेट की, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 99.86% मैस सूरज के पास होता है, हम जिन्हें सोलर मैस कहते हैं। 1 सोलर मैस इक्वल टू 230 kg, यह नंबर सुनने में आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 के बाद 30 लगेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह संख्या कितना बड़ा है। यह है हमारे सूरज का वजन। अब आपको पता चल गया है कि हमारे सूरज का वजन कितना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे को प्रेस कर वॉल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका कीमती समय देकर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।